सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो कल्याण टीवी पंजाब ते मैं हर्षपाल सिंह। अज असी पहुंचे हां तख्त श्री दमदमा साहब गुरु काशी, जिथे राइफल आ डल्ले बराड़ वालों उन्होंने दी गई सी, क्योंकि डल्ला बराड़ काफी हथियार बनाउंदा सी ते उन्हें कहा सी गुरु साहब नूं भी तुसी जे मेरे हथियार परख दे ता तुहाडा जिहड़ा कदे भी नुकसान नहीं सी हुंदा, बच्चे शहीद नहीं सी हुंदे। पर जदों समा आया ते गुरु साहब ने डल्ले बराड़ नूं कहा कि अज समा है ते तुसी अपना हथियार लैके आओ ते इक नाल इंसान लेके आओ जिहड़ा कि परख्या जावे। पर जदों डल्ले बराड़ नाल गल कीती तां उहनां दे किसे भी फौजी नाल जां आपां कह दईए उहनां दे साथी संगी साथी नहीं आए ते गुरु साहब ने फिर अपने सिंघां दे विच उहनां ने कहा आवाज़ मारो। जदों बाबा वीर सिंह धीर सिंह जी आए ते उहनां ने अपनी गोली छाती गुरु साहब दे अगे कर दित्ती, उहनां ने कहा वी साडी छाती च गोली मारो। सो इस इतिहास दे बारे तख्त श्री दमदमा साहब दे हैड ग्रंथी तार सिंह जी नाल गलबात भी करदे आं ते उहनां तों जाणदा इतिहास। सन्मान योग गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास जगतार सिंह मुख ग्रंथी तख्त श्री दमदमा साहब गुरु कांछी। साध संगत जी, ये पावन स्थान खालसा पंथ का चौथा तख्त तख्त श्री दमदमा साहब गुरु कांछी के नाम के नाल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस पावन स्थान विखे श्री मुक्तसर साहब की जंग फतेह करने उपरंत कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने 1705 ईस्वी के अगस्त महीने के इस पावन स्थान विखे चरण पाए, इस धरती को नवाजना किया। इस पावन स्थान विखे ही धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने गुरद्वारा दमदमा साहब जी विखे धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन स्वरूप एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक नौवें पातशाह की बाणी दर्ज करा के संपन्न कराए। शहीद भाई मनी सिंह जी लिखारी, बाबा दीप सिंह जी सहायक लिखारी लाए गए। इतिहास के बोल ने अब दरबार दमदमा है जहाँ, तंबू लगवाए कै गुरताहाँ, मनी सिंह को लिखन बिठै कै गुरु नानक का ध्यान धरै कै, नित प्रत गुरु उचारी जैसे बाणी लिखी मनी सिंह तैसे। पहले पैर सतगुरु बाणी लिखाया कर दे, पिछले पैर उन्नी ही बाणी की कथा करया कर दे सन। 48 सिंघां नूं अर्थ बोध ब्रह्म ज्ञान की सतगुरां ने दात बख्शी। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता तो उपरंत सतसंगत जी धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जिन्हिया भी कलमा और शाही वधी वह सारिया कलमां ते शाही लिखण सर दे सरोवर दे विच पा के हजूर ने बचन किया। यह है प्रगट हमारी कांछी, पढ़ है इहां ढोर मत रासी, लेख गुणी कुविंद ज्ञानी, बुद्ध सिंध है इतियानी, तिनके कारण कलम कढ़ देत प्रगट हम डार, सिख सखा इत पढ़ेंगे हमरे कई हजार। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने गुरु कांछी का वरदान बख्शिश किया और बचन किया, जेड़े भी पुरानी श्रद्धा ते भावना दे नाल इत्थे आण के गुरमुखी पैंती लिखणगे उन्हां नूं गुरमत विद्या अते दुनियाई विद्या की प्राप्ति होवेगी। सतसंगत जी, इस स्थान नूं सतगुरां ने एक साल तो वध समय दे नाल नवाजना किया है, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता कराई, गुरु कांछी का वरदान बख्शिश किया, उथे ही सतगुरां ने इत्थे सिखी सिदक की परख की। जदों लाहौर वासी भाई उदय सिंह जी ने अपने हथीं बंदूक तैयार करके ये पावन स्थान विखे भेटा की, महाराज के कोल भाई डल सिंह सजया करता सी। जदों भी कितें जंग योद्धे बचन बिलास चलते, भाई डल सिंह अक्सर ही चितार दिया करता कि गुरु साहिब जी मेरे को बड़े बहादुर सूरमे सन, मैनू आनंदपुर साहब विखे याद कर लेंदे, आप जी दे साहबजाद के शहीद ना होंदे, आप जी नूं आनंदपुर साहब का किला ना छड़ना पैंदा। गुरु साहब बचन करया करदे ये अकाल पुरख वाहिगुरू का भाणा सी, इवें हो करके रहना सी। सतसंग जी उस दिन महाराज ने बचन किए, भाई डलसिया ये सिंह अपनी रफल की बड़ी सिफत करता, लिया कोई सूरमा सी रफल का निशाना परखना है। भाई डल सिंह ने अपनी फौज नूं आवाज़ दित्ती, गुरु साहिब जी ने बंदूक का निशाना परखना, कोई सूरमा अपना नाम पेश करो। अग्गों सारी फौज ने जवाब दिता कि सानू खड़ के गोली खा के मरन वाली मौत मंजूर नहीं है, सानू मैदाने जंग विच लड़ा के देखो सी मरीए जा मारीए। भाई डल सिंह हजूर दे पास पहुँचदा, सतगुरु जी कहन लगे भाई डल सिंह तू सामने खलो जा, पर भाई डल सिंह कहन लगा महाराज बंदूकों के निशाने कितें मनुखां ते थोड़ा परखी दे हन। महाराज कहिंदे चंगा फिर साडे सिंघां नूं आवाज़ मार के देख। जदों आवाज़ मारी सिंघो सतगुरां ने बंदूक का निशाना परखना, कोई सिंह इस परख वास्ते सामने आवे। ये आवाज़ बाबा वीर सिंह बाबा धीर सिंह दोनों पिता पुत्र दस्तारां सजा रहे सन।
आवाज़ सुनदियां सार दौड़ के सतगुरां दे सन्मुख आए। हजूर ने बचन किया कि असी एक सिंह नूं याद किया। पिता कहन लगा सतगुरु पहला मैं आवाज़ सुनी मेरे ते निशाना परखो। पुत्र कहिंदा नहीं सतगुरु जी पहला मैं आवाज़ सुनी मेरे ते निशाना परखो। सतगुरां ने दोनों सिंघां नूं सामने रो करके बंदूक का निशाना सीधिया। थोड़ी कोशिश नीवी हुंदी दोनों सिंह वीर आसन होकर बैठ जाते। थोड़ी कोशिश उची हुंदी दोनों सिंह पब्बां पार होकर छातियां तान के हजूर दे सन्मुख खलोणा करते हैं। खालसा जी सतगुरां ने अपने सिंघां नूं माण बख्शिश करदिया बंदूक का फैर दोनों सिंघां दे उपर दी कर दिता। सिंह सिखी सिदक की परख च पास होए। भाई डल सिंह ते उन्हां दी फौज इस परख विच पास ना हो सकी। इस कौतक तो बाद भाई डल सिंह ने आप अपने परिवार फौज समेत खंडे बाटे का अमृत छक के गुरु साहब जी की पहरेदारी करके गुरु की खुशियां प्राप्त कर लगा। सतसंग जिथे महाराज ने सिखी सिदक की परख की थी उथे ही महाराज ने खालसे को अपना पुत्र नवाज के माता साहब कौर की झोली पाया। जदों दिल्ली तो बेअंत संगतां दे नाल भाई मनी सिंह दे नाल दोनों मातावां ने इत्थे आण के हजूर दे दर्शन किए। हजूर दे पास बेअंत खालसा सजिया सी। दोनों मातावां ने बेनती की माता गुजर कौर वड्डे अते छोटे साहबजादे सतगुरु नज़र नहीं आ रहे। महाराज ने खालसे वाले इशारा करके बचन किया इन पुत्रन के सीस पै वार दिए सुत चार चार मुए तो क्या भया ए जीवत कई हज़ार। खालसे नूं पुत्र नवाज के माता साहब कौर की झोली पाया। सतसंग जी इत्थे ही गुरु साहब जी नूं दिल्ली की संगत ने एक अलौकिक शीशा भेट किया और बेनती की कि महाराज आप जी अमृत वेले उठ के अपनी दस्तार कलगी चक्कर सजाते हो। दस्तार का लड़ पे विंगा टेढ़ा हुंदा शीशे विच वेख करके सीधा कर लिया करो। सतगुरां ने शीशे दे वल कृपा दृष्टि करके बचन किया कि दस्तारां दे लड़ पेज आम शीशा विच सीधे किए जा सकते हैं। ये शीशा लकवे की बीमारी नाल जिन्हां प्राणियों के मूँह विंगे होया करनगे उन्हां दे मूँह सीधे करिया करेगा। हजूर की जारी कला वर्तरी सतसंग जी आल मुल अस्तार गुरु गोबिंद सिंह अबरे रहमत बार गुरु गोबिंद सिंह। जिस किसी प्राणी नूं लकवा पैरालाइज हो जाता है तीन दिन शरदा ते भावना दे नाल तख्त साहिब विखे जो शीशा सुभायमान है ये पावन शीशे दर्शन करन दे नाल वो प्राणी ठीक हो करके जाते हैं। कोई शस्त्र बस्त्र भाई डल सिंह दे ग्रह विखे हैं। सतगुरां ने सतसंग जिथे इत्थे धन गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता करा के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपूर्णता दिवस का दिहाड़ा भादरों के जड़ा मना किया। हर साल तख्त साहब वालों संपूर्णता दिवस तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो बठिंडा की पावन धरती से मनाया जाता है। उत्थे ही खालसा पंथ का साजना दिवस विसाखी का दिहाड़ा धन गुरु कलगीधर पातशाह की चलाई मर्यादा अनुसार हर साल तख्त साहब के समुचे प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल 12, 13, 14 ते 15 अप्रैल में विसाखी का खालसा पंथ का साजना दिवस मनाया जाता है। तो गुरु साहब जी की कृपा दे नाल गुरु के सिंह गुरु की लाडलियाँ घोड़सवारी शस्त्रबाजी जोर दिखाउणा करते हैं। हजूर ने इत्थे बेअंत रहमतां दे नाल इस पावन धरती नूं नवाजना कीता है। सतसंग जी ये पावन स्थान खालसा पंथ का चौथा तख्त तख्त श्री दमदमा साहब जी के नाम के नाल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अज भी संगत नूं बेनती कि कलगीधर पातशाह संगतां नूं डीकदे हन क्योंकि महाराज ने सानूं अपने पुत्र नवाज करके इसे तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती ते माता साहब कौर की झोली पाया है। जदों भी समां लगे संगत नूं बेनती है तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती विखे आण के गुरु के पावन स्थान विखे दर्शन दार करके गुरु की असीस लैनी। होईआं भुल्लां चुक्कां की खिमा माणयोग सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार श्री अकाल तख्त जथेदार तख्त श्री दमदमा साहब ते समूह मैनेजमेंट वालों आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। होईआं बेअंत भुल्लां की खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।